हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे CU CET की। CU CET पे एक आपको अपडेट देना है, जो कि हम बात करें तो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू ही है। इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, कब तक नोटिफिकेशन मिलेगा, कितनी यूनिवर्सिटीज़ इसका हिस्सा बन रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कि पेपर के पैटर्न में आखिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, जो कि न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल को हम एक बेस मान के चल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही पब्लिश होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे CU CET को लेके, CU CET 2022 फॉर BA। स्पेशली मैं बात करूँ, अभी BA की बात करूँगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि MA के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर नहीं है अभी कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि आखिर CU CET का जो पेपर है वो किस तरह होने वाला है, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। सो चलते हैं, हम सबसे पहले विषय पर बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जो पेपर करवाएगी NTA करवाएगी इस पूरे पेपर को, तो NTA नेक्स्ट वीक तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर देगी। यानी कि जो पेपर है वो कब होगा, किस मंथ में होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है नेक्स्ट वीक। और अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर जो पेपर है वो मोस्टली जुलाई या जून में हो सकता है, जो भी मंथ है वो आपको NTA के थ्रू पता चल जाएगा। खैर, ये हो गई पेपर किस मंथ में होगा, ये एक एक्सपेक्टेड है। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि पेपर जो है वो जुलाई से पहले तो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एकेडमिक जो है वो ऑलरेडी लेट हैं इस साल वाले, इस वजह से जुलाई से पहले लेने का तो कोई चांस नहीं बनता है। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न्स को। उससे पहले हम चर्चा कर लें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल था कि क्या जो पेपर वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये जो पेपर है ये इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा यहाँ आपके सामने हिंदी में भी होगा, और उसके अलावा टोटल जो अगर हिंदी और इंग्लिश को साथ में मिलाएं तो उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, असमी है, ऐसे मिला के टोटल 13 लैंग्वेज, यानी कि 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और उर्दू में भी होगा, तो जो स्टूडेंट मदरसा बैकग्राउंड से आते थे जिनके लिए इंग्लिश केवल एक डिफ़िकल्टी का विषय हो जाता था, उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं सहूलियत हो जाएगा। बाकी जो क्षेत्र से आते हैं, स्पेसिफिक क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आसान रहेगा। और आपको पता है कि जैसा कि CU CET को जो सबसे अभी तक दो यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह अडॉप्ट कर चुकी हैं, जिनमें पहला JNU है और DU है, जो कि देश की टॉपमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न केवल ये है कि इंडिया के दूर दराज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का जो प्लान है गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसके थ्रू ये CU CET करवाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये MCQ बेस्ड होगा। बहुत सारा ये र्यूमर भी चल रहा है कि सर सब्जेक्टिव पार्ट भी होगा, तो सब्जेक्टिव पार्ट भी आपका MCQ फॉर्म में होगा, जबकि रिटर्न फॉर्म में कोई भी थिंग नहीं है। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इस पेपर को कंडक्ट करवाने का काम करेगी। खैर, ये तो हो गई पेपर की बात कि पेपर किस लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक सवाल जो उठ रहा है वो मार्किंग को लेके उठ रहा है कि साहब मार्किंग किस तरह की होगी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को ही हम बेस मान के चल रहे हैं इसमें भी, तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो मार्किंग है यहाँ पे अब UG में होगी नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि CU CET जो 12 यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता था उसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ करती, सेम उसी वे में अब होगी यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ आप अगर सही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो आपको अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप पेपर करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, आप एक माइंड में लेके चलिए कि आपको वही क्वेश्चन करना है जो आप 100% श्योर हों। दूसरी चीज़, यहाँ मार्किंग वाला क्लियर हो गया कि माइनस मार्किंग अब की बार होनी है, पेपर का लैंग्वेज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न पे कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, जो खासकर फर्स्ट पार्ट है वो क्या रहने वाला है, सेकेंड पार्ट क्या रहने वाला है। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप कितने चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक पेपर सबके लिए कॉमन है और दूसरा जो डोमेन स्पेसिफिक है वो उन स्टूडेंट्स को होगा जो आपने सब्जेक्ट चुना होगा। खासकर आपने मान लो JNU के लिए आ रहे हैं, हमने फॉरेन लैंग्वेज चुना, तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%, ये चीज़ श्योर है। और दूसरी चीज़ ये कॉमन एप्टीट्यूड की जब बात करते हैं उसमें क्या क्या आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक जो बन रहा है वो बन रहा है कि साहब हम CU CET जो है उसके अंदर पार्ट 1 को कैसे कवर करें। तो पार्ट 1 की हम चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 1 में अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया
50 क्वेश्चंस होंगे। अब इन 50 क्वेश्चन में किस किस क्वेश्चन का कितना हिस्सेदारी है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम बहुत सिंपल भाषा में समझें तो जो आप जो पैसेज वगैरह आते हैं, इंग्लिश के पैसेज आते हैं, वो पैसेजेस जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके 15 क्वेश्चन या तो ये हो सकता है कि पाँच पाँच क्वेश्चन के तीन पैराग्राफ आपको दिए हो, वहाँ से आपको क्वेश्चन छाटना होगा। दूसरा आपका वर्बल एबिलिटी है, ये 10 मार्क्स का जो 10 क्वेश्चंस होंगे इसके। इसके अलावा आपका क्वांटिटिव जो रीजनिंग है, जो हम बात करते हैं रीजनिंग वाला जो एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, उसके रहेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा लॉजिकल जो एनालिटिकल है उसके टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 10, और जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें आपका हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल साइंस से रिलेटेड हो सकता है, करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ जो मेन इशू है वो कहाँ है। अब हम बात करते हैं आपसे इस पूरे को कवर करने की चीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, आपका सबसे बड़ा जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस, और दूसरा जो है आपका रीजनिंग के, क्योंकि यहाँ पे तीन पार्ट आपके सामने हैं, उनको आपको बहुत फोकस करके करना होगा चीज़ों को। तो ये हो गया आपका पार्ट वन। अब सीधा सीधा हम चलते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब आपने जिस सब्जेक्ट को चुना है, मैंने जैसा कि बताया कि आपने मान लो पॉल साइंस चुना है, अब पॉल साइंस आप देना चाहते हैं डीयू में, सपोज दैट आप डीयू में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको हिंदू कॉलेज चाहिए, आपको पॉल साइंस के लिए सब्जेक्ट चुनना है, पॉल साइंस में आपको डोमेन सब्जेक्ट चुना है आपने पॉल साइंस एंड जब आपने फॉर्म फिल किया था। तो यहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस आने हैं जो कहा गया कि डोमेन स्पेसिफिक होंगे, कितने सब्जेक्ट के लिए होंगे ये कंफर्म नहीं है कि आप एक में अप्लाई कर सकते हैं, दो में अप्लाई कर सकते हैं कि तीन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे मान लो पॉल साइंस से। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि साहब पॉल साइंस से हमें 30 क्वेश्चन तो मिल गए, अब ये 30 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सीधा सीधा ये है कि इन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो इनका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो होगा आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपका 10+2 लेवल जो है, यानी कि 12th लेवल का जो पैटर्न रहता है, 11th-12th का एक हम कह सकते हैं कि जो लेवल रहता है उस लेवल पर। यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो, आप में से किसी स्टूडेंट के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर मैं तो CBSE से नहीं पढ़ा हूँ, मैंने तो NCERT का कभी बुक नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे केवल एक बोर्ड को बीच में रख के पेपर नहीं तैयार किया जाएगा, इसका सिलेबस भी आपके सामने ऑफिशियली बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि आपका डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं रहेगा, आप राजस्थान बोर्ड से, आप UP बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, सब बोर्ड्स को एनालाइज किया जाएगा, सबके सिलेबस को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तैयार होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक। और जो लोग लैंग्वेज के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं, जो लैंग्वेज में अपना लाइक जिनको केवल लैंग्वेज करना है, जिनका टारगेट JNU है, IFLU है, उनके लिए यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक ऑफकोर्स 101% जो कंट्री GK है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसका करंट अफेयर भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डोमेन स्पेसिफिक आपको माइंड में तैयार करके चलना है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए तैयार होना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल BA लेवल की, अभी मास्टर्स का पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, सो मास्टर्स अभी कोर सब्जेक्ट पे फोकस करें मच बेटर। लिखा ये भी है कि मास्टर्स के लिए होगा, लेकिन अभी किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो हमें यह समझना होगा, और आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट केवल GMI को अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, AMU को अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, तो मैं बता दूं ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ क्लियर कर चुके हैं कि हम CUCT का पार्ट 2022 में नहीं बनेंगे। तो आप JMI के जो एस्पिरेंट हैं या AMU के जो एस्पिरेंट्स हैं वो पुराने पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जो कि पिछले साल तक जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे इस साल भी इनके एग्जाम होंगे। तो ये दो यूनिवर्सिटीज इसमें नहीं है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को लाया जाएगा CUCT में, चाहे वो BHU हो, JNU है जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, DU भी डिक्लेयर कर चुका है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी ही जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद डिक्लेयर कर देंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके खिलाफ मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं जाती है। तो ये तो एकदम माइंड में रख के चलिए कि UG लेवल के 100% CUCT जो है वो होगा ही होगा। अब हमें वेट होगा कि ऑफिशियली इस सिलेबस में क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। इसका अभी आप ये कहें कि कोई एक NTA की तरफ से स्टेटमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, तो ऐसा अभी नहीं है, ये केवल और केवल टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल है, उसमें ये चीज़ें दी गई थी, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं।
और ये तो कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई नहीं तो अगस्त में 100% हो जाएगा, क्योंकि तब तक ये लोग जो एकेडमिक ईयर है उसको छोटा करते जा रहे हैं, जो इस साल एडमिशन हुआ है उनके एकेडमिक ईयर को छोटा कर दिया है, लाइक जो पूरा का पूरा 4 महीने में होता था उसे ये 3.5 महीने में ख़त्म कर रहे हैं सेमेस्टर को, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स करवा के, ताकि ये जो चीज़ें हैं 2022 के अंदर जो एकेडमिक ईयर है वो टाइम पे स्टार्ट हो सके। ये यूजीसी का एक कहें कि गोल रहा है पिछले 2 साल से, कि जैसे कोविड की सिचुएशन की वजह से चीज़ें लेट हो रही हैं उन्हें कैसे सही टाइम पे वापस किया जाए, क्योंकि एकेडमिक लेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स के करियर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट विदेश में अप्लाई करते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पर भी एकेडमिक जो है वो लेट होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये एक अपडेट था आपके लिए कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम फेस करना होगा, क्या कब एग्ज़ाम होगा, CUCT का पैटर्न क्या होगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो पूरा का पूरा खासकर पैटर्न में बात करें मार्किंग को लेके, मार्किंग वाला बहुत बड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, कैसा लगा आपका वीडियो, और सबसे बड़ी बात अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ ये है कि आप लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो क्वेरीज अपने मन की क्वेरीज को ख़त्म करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीक में लेके आ रहे हैं एक मेगा वेबिनार, जिसके अंदर हम आपके हर एक पॉइंट यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव जो खासकर कॉमन एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। हमारे साथ वहाँ पे जो टीम मेम्बर्स हैं वो आपको इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बताएंगे कि किस तरह से आपको इन चीज़ों को कवर करना है, इसमें आपकी हेल्प होगी। उसके अलावा आपका डोमेन स्पेसिफिक है वो क्या रहने वाला है उसके ऊपर, तो गाइज उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे इससे रिलेटेड अपडेट मिल जाए, CUCT से रिलेटेड हो या फिर उसके सिलेबस से रिलेटेड हो, जितने भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो सकें उसके लिए आपको ज्वाइन करना है एग्जामवर्ट ऑफिशियल। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया, और खासकर केवल और केवल CUCT के लिए भी एक चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें हम कुछ फ्री वेबिनार्स भी देने वाले हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, तो ज्वाइन करिए और वेबिनार्स को ज्वाइन करिए ताकि आप अपने डाउट्स को इन द फ्रंट ऑफ टीचर्स क्लियर कर सकें। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक में वेबिनार कब होगा उसका अपडेट आपको यहाँ दे दिया जाएगा, तो उससे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। CUCT हो या मास्टर्स हो, जिन भी सब्जेक्ट्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ प्रॉपर अपडेट मिलते रहें। बहुत जल्दी हम लोग यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आएंगे ताकि आप लोगों को जो सेल्फ से तैयारी कर रहे हैं, खुद से जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड See you in next video. Thank you again. Subscribe the ExamWord for updates. Thank you.